हेलो दोस्तों, सुबह के 6 बजे हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। मैं आज आप लोग को अपनी दुख भरी कहानी बताने वाली हूँ। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। हम लोग को मेरे पिता श्री निर्मल भगत और मैं ग्राम बुंदेली की रहने वाली हूँ, जिला मनेंद्रगढ़। जब कोरिया था तभी से मेरे पिताजी टीचर में नौकरी कर रहे थे। अब हम लोग 5 भाई बहन हैं। मेरी माता है, मेरे दादाजी, मेरी दादी। लेकिन आज मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 9 परिवार में से सिर्फ हम लोग 7 लोग ही रह गए। 2 लोग इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे पिताजी टीचर थे, पंचायत सर्ट से पहले लगते थे, वही वाले टीचर थे। 25-26 साल टीचर के पद पर कार्यरत थे, फिर संकुल प्रभारी बने। इसके बाद आज 2018 में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। अब आज हम लोग टीचर के लिए बोलते हैं, 2018 से दौड़ रहे हैं हम लोग, तो बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगा। और नौकरी 25 साल हो गया मेरे पिताजी को करते हुए। जब 500 मिलता था पिताजी को जॉब में, तब से नौकरी कर रहे हैं। और आज हम लोग जब जाते हैं तो बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगा, बोलते हैं कि सविलियन नहीं हुआ था, नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन जब 25-26 साल हो गया तो हम लोग सोचते हैं कि सबको मिल जा रहा है तो हम लोग को ही क्यों नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग के पिताजी लोग जब सविलियन नहीं हुआ था तो हड़ताल के लिए रायपुर 4 रात 5 रात रुके थे। एक बार तो जेल भी ले गए थे सबको, वहाँ भी गए। जब आज सविलियन हुआ, 2 साल पहले ही मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए, तो आज बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगा। हम लोग 2018 से ठोकर खा रहे हैं दर दर के। एक बार कलेक्टर कोरिया था तो वहाँ गए थे। वहाँ लिखो आया कि बीएड करके आओ, बीएड और ट्रेड, वो भी हम लोग की बड़ी दीदी को हम लोग करवाए। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम लोग जा रहे हैं। कलेक्टर के पास दोबारा गए तो लोग बोले कि नहीं हो जाएगा, जाओ। फिर हम लोग शिक्षा मंडल गए, वहाँ बीओ साहब वहाँ भी बोल रहे हैं कि नहीं होगा, इसमें तो जॉब ही नहीं मिलता है, यहाँ से नहीं होगा। जनपद पंचायत जाओ, जनपद पंचायत में जाओगे तो बोलते हैं वहाँ जाओ, वहाँ जाओगे तो वहाँ जाओ बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हम लोग को सपोर्ट करे। और सब ऐसे जितने भी होंगे उन लोग एक ग्रुप बनाए, हमारे वीडियो में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें या मत करें, लेकिन कमेंट जरूर करें कि ऐसे कितने लोग जो हैं जो पंचायत के तौर पर नौकरी कर रहे थे और उन लोग आज बेसहारा ऐसे हैं, जिसकी मम्मी पापा भी ऐसे हुए होंगे, उन लोग इसमें जरूर कमेंट करें। हम लोग एक ग्रुप बनाएं और हम लोग भी आवाज़ उठाएं ना और हल्ला बोलें, ताकि सब चीज़ कर रहा है तो ये ही क्यों नहीं करेगा? इतना दिन से सेवा दिए, हम लोग चुप कैसे बैठ सकते हैं? इसीलिए प्लीज़ आप लोग
कमेंट करके बताइए कि ऐसे कितने लोग बेसहारा हैं जो चुपचाप ऐसे बैठे हैं। और हम लोग को ऐसे नहीं बैठना है, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं लड़ाई, हम लोग 2018 से ही लड़ाई हो रहे हैं, हम लोग का कागज ही आगे नहीं जा रहा था, लेकिन हम लोग लड़ाई कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा नौकरी। कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा, हम अपना अधिकार मांग के रहेंगे। हम लोग किसी का नौकरी नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए आप लोग कृपया करके हम लोग को कमेंट कीजिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग आज बेसहारा हैं। पिता का ना होना कितनी बड़ी दुख की बात है कि आज मैं सुबह सुबह 6 बजे मॉर्निंग में, मेरे को रात को सपना आया कि पिता का नौकरी ही आज नहीं मिलता, करके सुबह सुबह मैं रो रही हूँ। दोस्त, मेरी एक बहन थी, उसको हम लोग शादी कर दिए, इस साल मेरी भी शादी लग गई है, पता नहीं इस घर का इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक नौकरी मिल जाता है इस घर को तो, और करने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, मेरा छोटा भाई है और मेरे दो बहन लोग बचेंगे, और मम्मी और दादाजी, हम लोग को सब कुछ करना पड़ता है दोस्तों, खेती बाड़ी सब कुछ। हम लोग को कुछ नहीं आता था, हम लोग शहर में रहते थे, लेकिन आज पिताजी के ना होने पे हम लोग को सब कुछ करना पड़ रहा है। हम ही लोग धान काटेंगे, हम ही लोग लगाएंगे, हम ही लोग मीसेंगे, सब चीज़ हम लोग को करना पड़ रहा है। क्या करें, हम किस्मत ही है, सब बदल दिया। दोस्तों, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए हम लोग को, हम लोग को नहीं, ऐसे जितने हों लोग, सब लोग एक ग्रुप बनाइए ताकि हम लोग कुछ कर सकें। आप लोग प्लीज दोस्तों हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग कुछ कर पाए। और ऐसे जितने लोग हो, आप लोग सब कुछ कमेंट कीजिए इसमें, कहाँ से हो, क्या हो। हम लोग ग्राम बुंदेली, जिला मनेंद्रगढ़, पोस्ट उदनापुर और थाना झगराखाड़ के लोग हम लोग हैं। आप लोग भी कहाँ के हैं, पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए और पूरा अपने कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग एक ग्रुप बनाएं और कुछ कर सकें। आजकल पॉलिटिकल है, तो हम लोग भी पॉलिटिकल साइड से ही हम लोग लड़ेंगे, तभी हम लोग का कुछ हो पाएगा।